हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका सॉल्यूशन नगरी में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डीएल लाइट आईसी कैसे वर्क करता है, डीएल लाइट सेक्शन को हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को स्कीमेटिक के थ्रू समझाऊंगा और यह स्कीमेटिक रेडमी 8A मोबाइल का रहेगा। अगर दोस्तों आपको लाइट सेक्शन पहचानना नहीं आता है, लाइट सेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं आपको ये पता नहीं है, तो आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ आईसी ये वाला वीडियो जरूर देखें मेरे चैनल में जाके, क्योंकि जब तक आपको लाइट सेक्शन पहचाना नहीं आएगा तब तक आप लाइट सेक्शन को भी रिपेयर नहीं कर सकते। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको लाइट सेक्शन पहचानना आता है तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़िए, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कभी भी डीएल लाइट आईसी वाला मोबाइल आता है और उसमें प्रॉब्लम लाइट सेक्शन की होती है, तो हमें सबसे पहले मोबाइल को चार्जर के साथ कनेक्ट करना है और मल्टीमीटर को 20 वोल्टेज या डीसी रेंज में सेट करेंगे। सबसे पहले हमें वीपीएस लाइन चेक करनी है। वीपीएस लाइन चार्जिंग आईसी से आता है। इस लाइन में 3.7 से 4.2 वोल्टेज हमें चेक करना होता है। इस लाइन में एक वीपीएच कॉइल और दो कैपेसिटर लगे होते हैं। अगर इन कैपेसिटर पर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो हमें वीपीएच कॉइल के थ्रू हम इस लाइन में जम्पर मार सकते हैं। अगर इस कैपेसिटर पर वीपीएच लाइन प्रॉपर आ रहा है, यह लाइन लाइट आईसी के B3 पिन पर इन होता है, देन इसके बाद यह लाइन बूस्ट कॉइल में जाएगा और फिर लाइट आईसी के D3 पिन पर एंटर करेगा। इसको हम स्विचिंग करना भी कहते हैं, यानी कि D3 पिन इस लाइन को स्विचिंग करता है, ठीक है। स्विचिंग के लिए यह लाइन बनाई गई। इतना प्रोसेस होने के बाद D3 पिन से आउट होगा और निकलेगा हमारे डायोड में, ठीक है। डायोड के इस पिन पे ये मिलेगा, अच्छा यहाँ पे ये पिन मिलती है तो डायोड के दूसरी तरफ से एलईडी ए एलईडी एनोड आउट होता है और यह लाइन डिस्प्ले कनेक्टर में जाता है। इस लाइन में हमें 3.7 से 4.2 वोल्टेज चेक करना होता है। इस लाइन में वैल्यू 300 से 800 के बीच आता है। अभी भी हम मोबाइल में लाइट सेक्शन को चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको इन लाइनों के GR लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मल्टीमीटर को डायोड रेंज में सेट करेंगे और एलईडी ए की लाइन को GR के लिए चेक करेंगे। याद रखें दोस्तों, मोबाइल में वोल्टेज चेक करने से पहले उस लाइन का GR लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर GR नहीं बनेगा तो वोल्टेज भी नहीं आएगा। आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस पॉइंट भी बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो अभी बात करते हैं आगे। CPU से I2C प्रोटोकॉल की लाइन आउट होती है, जिसमें SCL यानी सीरियल क्लॉक और SDA यानी सीरियल डेटा लाइन CPU से आउट होगा। इन दोनों लाइन में GR सेम बनता है, यानी एक लाइन में 390 बन रहा है तो दूसरे लाइन में भी उतना ही बनेगा। CL SDA की लाइन पर दो रजिस्टर लगे रहते हैं। यह रजिस्टर 2.2 किलो ओम के होते हैं। SCL SDA लाइन लाइट IC में जाता है। इन दोनों लाइन में GR चेक करने के बाद हमें इन लाइन में 1.8 वोल्टेज चेक करना है, लेकिन यह 1.8 वोल्टेज आएगा कहाँ से? यह जो 1.8 वोल्टेज होता है यह पावर IC से आउट होता है और इसका नाम वीरेज होता है। वीरेज लाइन इन दोनों रजिस्टर में जाता है, जिसकी वजह से SCL और SDA की लाइन पर 1.8 वोल्टेज बनता है। इतनी लाइन ओके होने के बाद पावर IC से EN की लाइन यानी इनेबल सिग्नल की लाइन आउट होता है। इस लाइन का काम होता है लाइट IC को ऑन करने का। इस लाइन में 1.8 वोल्टेज बनता है और इसी लाइन में हमारा 100 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा होता है, ठीक है दोस्तों। 100 किलो ओम के रजिस्टर से होते हुए लाइट IC में इन हो जाता है। इस लाइन में हम 1.8 वोल्टेज चेक करते हैं। अगर बन गया तो ओके है, नहीं बना तो भाइयों पावर IC को रिवोल्व करना पड़ेगा। लेकिन याद रखें, यह लाइन तभी बनेगी जब मोबाइल को हम ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद भी नहीं बनता तो पावर IC को HRC करना पड़ेगा, यानी कि रिवोल्व करना पड़ेगा। इतना प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद LED K की लाइन लाइट IC में इन होगा। LED K मींस कैथोड यानी NS होता है। इस लाइन में हमें GR 250 से 800 चेक करना होता है। याद रखें, अगर LED K की लाइन पर एलिवेयर रजिस्टर लगा हुआ है तो लाइन बीप के साथ 50 ओम से कम वैल्यू देगा, लेकिन अगर एलवीआर रजिस्टर नहीं लगा हुआ तो GR 250 से 800 देता है। यह लाइन भी ओके है तो हमें डिस्प्ले कनेक्टर पर डिस्प्ले लगाना पड़ेगा और मोबाइल को ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करने से PWM लाइन लाइट IC से आउट होकर डिस्प्ले कनेक्टर में 0.1 से 1.8 वोल्टेज के सप्लाई के साथ इन होता है। PWM लाइन को CABC यानी बैक लाइट लाइन भी कहते हैं। आपने देखा होगा, जैसे हम पावर बटन दबाते हैं मोबाइल का तो मोबाइल के डिस्प्ले से लाइट ऑन हो जाती है। यह काम PWM की लाइन ही करती है। इस लाइन के खराब होने से आपके डिस्प्ले में बिल्कुल भी लाइट नहीं दिखाई देगा या फिर ब्राइटनेस कम या ज़्यादा नहीं होती है। यह लाइन एक रजिस्टर से होते हुए
डिस्प्ले कनेक्टर में जाता है। आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इसी तरीके से वीडियो लाते रहता हूँ। तो अभी बात करते हैं आगे। जैसे हम मोबाइल को ऑन करते हैं, बूस्ट कॉइल अपना वर्क करना स्टार्ट कर देती है, यानी 3.7 वोल्टेज को करके 17 से 40 वोल्टेज तक कन्वर्ट करता है। जैसे हम मोबाइल का पावर बटन प्रेस करते हैं तो बूस्ट कॉइल यहाँ पे भी ऑन हो जाता है। तो बूस्ट कॉइल पे यहाँ पे वोल्टेज बूस्ट होता है 17 से 40 वोल्टेज के अंदर, ठीक है। तो हमें बूस्ट कॉइल पे 17 से 40 वोल्टेज चेक करना होता है। अगर यह वोल्टेज बूस्ट नहीं होता तो बूस्ट कॉइल को चेंज करेंगे, लेकिन अगर बूस्ट कॉइल में 17 से 40 वोल्टेज के बीच में बूस्ट हो रहा है तो हमें LED A की लाइन पर भी 17 से 40 वोल्टेज चेक करना है, क्योंकि यह लाइन डायोड से होते हुए LED A की पिन पे मिल जाता है। कुछ इस तरीके से D8 लाइट IC वर्क करता है। अभी बात करते हैं बोनस पॉइंट की, जिसके लिए आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है। अगर दोस्तों जितनी भी लाइन मैंने आपको बताया है अगर वह सभी ओके है, लेकिन प्रॉब्लम लाइट IC की है, बट आपके मोबाइल में D8 लाइट IC लगा हुआ है और यह खराब हो रखा है, आपके पास दूसरा IC नहीं है लेकिन D6 लाइट IC पड़ा हुआ है, तो आप D8 लाइट IC की जगह पे D6 लाइट IC लगा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों IC के बोल्ट्स सेम होती है, दोनों ही 12 बोल्ट्स की होती है, तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों यह सब आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं कुलदीप सिंह आपको मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।